बैठने तक की गाइस जगह नहीं है। पता नहीं कैसे फस फस आके बैठेंगे, मैं ड्राइव कैसे करूंगी इतनी सी जगह में। माय गॉड, आई कांट इवन सिट। तो अभी सारा सामान जो गाड़ी में था वो चला, आई मीन घर पे पहुंचा दिया है। अब एक और चक्कर लगेगा, सामान लेने जाएंगे। और मेरे हाथ आ गई रही, दिस इज माइन, व्हिच इज माइन, दिस इज योर्स टू, दिस इज बोथ, व्हाट इज व्हाट, सेम। So why two? Why two? This is half, this is full. But why? Machine problems. Oh, okay, lucky me then. So चलें जी, मशीन भी यहाँ से निकल गई, वहाँ से भी मशीन जो है वॉशिंग मशीन निकाल ली है और यहाँ पे सब सामान इकट्ठा हो चुका है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। फिर टू माय चैनल, वेलकम टू द नई दुनिया। और अगर सब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से जो है सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट ऑन विद टुडेस व्लॉग। आज है मंडे और आज है 15th of July, विच मीन्स कि आज जो है हम लोग को मिलने जा रही है हमारे नए घर की चाबी। पैकिंग हम पिछले 2-3 हफ्ते से जो है ना पैकिंग चल रही है, काम चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो बिन एक्सट्रीमली टायर्ड, यहाँ पे अभी ये जो सारा सामान है ना ये रखा हुआ है, जो कि ये जाना है रेड क्रॉस में तो चैरिटी के लिए। कपड़े निकाल के मैंने रखे थे, मैं बाद में आराम से डिटेल बताऊँ, क्योंकि अभी हम लोग जहाँ निकल रहे हैं चाबी मिल रही है तो। लेकिन हमने सोचा कि जब तक आधे घंटे का क्योंकि रास्ता है तो चाबी मिलेगी, साथ ही साथ गाड़ी भर के सामान भी ले जाते हैं, ताकि जब चाबी मिल जाएगी तो ये सामान जो है रख लेंगे अंदर। एंड यस, आई एम ड्राइविंग बिकॉज दिस गाय डज नॉट हैव हिज license, I mean he cannot find it। बैठने तक की गाइस जगह नहीं है। पता नहीं कैसे फस फस आके बैठेंगे, मैं ड्राइव कैसे करूंगी इतनी सी जगह में। My God, I can't even sit. Oh my God, shit my knees. Way, look, ow. Ow. You will drive slower now. A few moments later. तो हम लोग आ चुके हैं और फर्स्ट फ्लोर पे है वहाँ पे घर और हियर वी गो। ऊपर जाते जाते ना सामने जी बिल्कुल वहाँ सामने गार्डन है एंड इस तरह से कुछ पूरा एरिया है, इट्स रियली नाइस। हियर वी आर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। And here is our new house. अभी सारा खाली है तो अभी जो है ना थोड़ा सा खाली टूर जो है घर का आप लोगों को दे देती हूँ। तो यह है बाथरूम, यह है एंट्रेंस, यहाँ से अंदर आते ही जो है ना किचन है, बाथरूम है, सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की ऊपर को। दो फ्लोर्स हैं घर के और यहाँ है बाथरूम एंड इट्स लाइक रियली नाइस शॉवर एंड इस तरह से है कुछ बाथरूम। और अभी मैं जल्दी जल्दी जो है टूर दे देती हूँ आपको थोड़ा सा, फिर बाद में जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता सेट होगा फिर अच्छे से सारा टूर दूंगी। सो ये है किचन, हियर इज द किचन। सारा जो है ना बहुत अच्छा है, आई मीन कैबिन्स भी, यहाँ पे माइक्रोवेव आ जाएगा, ये माइक्रोवेव के लिए ही है एक्चुअली जगह ना। तो घर पे जैसे बाहर कॉर्नर में एक माइक्रोवेव रखा होता था उस तरह सेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ नीचे जो है काफ़ी जगह है, फिर ये ड्रॉसेस आई जस्ट लव सी बर्तनों के लिए। और इस घर में मुझे ऐसा लगता है कैबिन्स थोड़े कम है तो यहाँ पे जैसे क्या कहते हैं पतीलियाँ वगैरह आ जाएंगी, बाकी बर्तन कुछ यहाँ आ जाएंगे और कुछ यहाँ आ जाएंगे। और हाँ, कैबिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़े काम, बट इट्स ओके, चला लेंगे हम काम किचन में, लेकिन जो है ना अच्छा है। और यहाँ पे फ्रिज साथ आया है, सो यस हियर इज फ्रिज, वहाँ फ्रीजर, यहाँ पे जो है वॉश वो क्या कहते हैं डिश वॉशर आएगा वहाँ पे। और ये है ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग, पर मैं सोच रही कि इस घर में मैं डाइनिंग नहीं रुकूंगी क्योंकि थोड़ा मुझे ना ये छोटा लग रहा है। तो हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी, मुझे ज़्यादा नहीं है लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सेटिंग थोड़ी सी अच्छे से हो सके, थोड़ी खुली रहे, क्लटर्ड सेटिंग ना रहे। तो मैं यहाँ पे डाइनिंग एरिया नहीं रखूँगी, ओनली सोफ़ा एरिया एंड देन मे बी या लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे जो है इधर
ये है जी बालकनी एंड दिस इज हाउ द सीन इज फ्रॉम बालकनी. और एक ये रूम है, आई मीन क्या मास्टर बेडरूम कह सकते हैं. आई मीन या सो एक ये रूम है काफ़ी अच्छा. यहाँ पे अलमारी है, इस घर में अलमारियाँ कम है तो यही एक मेन बड़ी अलमारी है इस घर में. पर नो वरीज, मेरे पास घर पे जो है अलमारियाँ हैं सो हो जाएगा. और फिर चलते हैं ऊपर. और यहाँ पे जो है दो कमरे हैं, तो एक कमरा ये है और एक कमरा ये है. ये जो है सारा का कमरा होगा जो स्टार्ट पे, तो उसको वो वाला कमरा चाहिए. मैंने कहा नो, यही कमरा जो है उसका होगा. ठीक है, आई मीन थोड़ा छोटा है लेकिन सारा के लिए बहुत है. अकेली है, फिर कमरा भी बहुत अपना गंदा रखती है. तो एक अलमारी ये है, मैंने शेल्व्स का कह दिया तो और शेल्व्स आ जाएंगे, तो उसके कपड़े आराम से आ जाएंगे. और फिर एक कमरा ये है. अब ये कमरा मुझे नीचे वाले कमरे से थोड़ा बड़ा लग रहा है. सो आई डोंट नो, आई मीन ये रूम हम लेके ले रहे, मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि जगह है यहाँ पे. या सो आई मीन या लेट्स सी क्या करते हैं. अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा रूम है सेट करो अपने लिए. ये है घर. और बस अब जो है ना, क्योंकि अब हम लोग सामान अंदर रखने लगे और मेरे ख्याल से आज दो तीन या शायद चार चक्कर जाए लग जाएंगे बैक एंड फोर्थ घर और यहाँ घर और यहाँ घर और यहाँ दोनों घरों में, ताकि चीज़ें जो है जो अभी घर पे है वो आ सकें. फिर इंशाल्लाह कल जो है हम लोगों ने ट्रेलर बुक किया हुआ तो वो आएगा और फिर बड़ा सामान सारा जाएगा. और फिर कल इंशाल्लाह 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 हम लोग रात की ही सोएंगे. तो अभी सारा सामान जो गाड़ी में था वो चला, आई मीन घर पे पहुंचा दिया है. अब एक और चक्कर लगेगा, सामान लेने जाएंगे और मेरे ख्याल से यही के जो अबू हैं वो हेल्प करेंगे क्योंकि उनके पास गाड़ी है. तो वो फिर दो गाड़ी में अगर जाएगा तो इसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा. और इस वक्त जो है ना बज रहे 3:30 हो रहे हैं और इतनी जोरों की भूख लगी है मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया. अब क्योंकि पैकिंग हो रही है तो अब क्या बनाए क्या खाए तो कुछ भी जो है ना नहीं खाया है, तो लिटरली लाइक स्टार्विंग. तो यहाँ हम जो है पेट्रोल स्टेशन पे रुके हैं ताकि हमें पेट्रोल भी डलवाना था और कुछ खाने के लिए भी जो है ना यहाँ गया अंदर लेने के लिए. आ गई दी आ गई दी. दिस इज माइन, व्हिच इज माइन, दिस इज योर्स टू. ओके, दिस इज बोथ. व्हाट इज व्हाट, सेम. सो व्हाई टू, व्हाई टू? दिस इज हाफ, दिस इज फुल. बट व्हाई? मशीन प्रॉब्लम्स. Oh, okay. Lucky me then. So we got like 2 coffees for 1 price. Mm-hmm. Ah. 2 and 1.5. 1.5. Okay. A few moments later. घर आ गए हम लोग. घर आके ना अभी घर का हाल कुछ ऐसा भी दिखाती हूँ. काफी सामान है. ये गार्बेज है, ये भी सारा सामान पैक हो गया है काफी. तभी और दो गाड़ियां भी भर रही हैं और यहाँ पे भी जो है ना अभी सारी पैकिंग हो रही है. किचन सारा खाली हो चुका है, आई मीन ड्रॉज सारा खाली हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है ना काफी चीजें है. ये वाला एरिया सारा खाली हो चुका है, बस प्रिंटर्स रह गए वहाँ पे, फिर मशीन निकलनी है वहां से. यहाँ से भी जो है सब खाली हो चुका है सब. ये बस थोड़े से टॉवल्स वगैरह रह गए बना, बाकी सब खाली हो गया यहाँ पे. और यहाँ पे भी सब खाली हो गया, आई मीन कैबिनेट्स वगैरह ये देखिए सब यहाँ पे खाली हो गया. वहाँ पे ड्रॉज वगैरह ये सब खाली हो गया, बस ये फर्नीचर रह गया जाने वाला. तो इंशाल्लाह कल जो है ये सारी चीजें चली जाएंगी और घर खाली हो जाएगा इंशाल्लाह. आई एम एक्साइटेड. अभी देखना है कि जाके जो है ना पूरा यानी कि वो घर कैसे सेट करेंगे, कि या इट्स अ न्यू प्लेस. सो या लेट्स सी हाउ वी डू इट. चलिए जी, रात के जो है ना 11 बज गए और अभी मैं नए वाले घर पे हूँ और यहाँ पे जो है सारी चीज़ें सारी नहीं यानी कि काफ़ी हद तक छोटी छोटी चीज़ें आ गई हैं. अब मेनली ज़्यादातर फर्नीचर आता है, तो बस मैं आपको दिखा भी देती हूँ थोड़ा बहुत. लाइक पूरा किचन का सामान यहाँ आ गया और थोड़ी बहुत चीज़ें ड्राइंग रूम की आ गई हैं, ये टेबल भी आ गई है, मेरे कमरे की चीज़ें आ गई हैं, बैग्स आ गए हैं. So yes,
सारा के ऊपर कमरे में भी उसका काफ़ी हद तक सामान आ चुका है उसके नीचे, जब वो जब शिफ्ट हो जाएंगे तो उसका कमरा सेट करने के उसके आने तक, क्योंकि आप लोगों को तो मैंने बताया नहीं कि सारा जो है गई हुई है, सारा है नहीं हमारे साथ, सारा गई है अपनी पुप्पी और दादी के साथ, यही कि जो है अम्मी जो है वो आइसलैंड से आई हैं, तो उसके उनके साथ वो लोग जो है उन लोगों के साथ, यानी कि वो गई है जर्मनी बर्लिन फॉर हॉलीडेज। हमारे तो कोई हॉलीडेज है नहीं, वी हैव टू स्टे हियर एंड वर्क एनीवेज, तो वहाँ गई है इसलिए वो है नहीं, तो आएंगी थर्सडे यानी जुमेरात को वापस। तब तक मैं सोच रही हूँ कि उसका कमरा रेडी कर दूँ, अपना हो रहा हूँ उसका ज़रूर रेडी कर दूँ, तो देखते हैं क्या होता है ताकि वो आए सुकून से अपना कमरा इन्जॉय करे। सो या दैट्स द गोल, बाकी बस इसी तरह है। इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड सुबह के 11:30 हो रहे हैं, मैं 10:30 बजे तो उठ दी, रात काफ़ी लेट हो गया था, 1 बजे तक घर आए, फिर 1:30-2 बजे गए थे सोते सोते। सो नींद भी जो है ना बहुत ही वो, यानी कि बहुत थके हुए थे, इतना थके हुए थे सारी दिन की वो जो भी शिफ्टिंग है उससे, तो इतना थके हुए थे कि लाइक वॉज इन पेन और काफ़ी टाइम लगा ठीक नींद आने में, तो इसलिए जो है एनी वेज यहाँ से गया है। उसको मीटिंग के लिए जाना था पिज़्ज़ेरिया की, तो वो वहाँ गया, पिज़्ज़ेरिया का काम भी तो साथ साथ करना है शिफ्टिंग के, तो वो वहाँ गया हुआ है और मैं बस इस वक्त जो घर पे हूँ, जितना बाकी थोड़ा बहुत रह गया ना, छोटा छोटा सामान रह गया, मैं चाह रही हूँ कि मैं समेट लूँ ताकि फिर बड़ा बड़ा सामान जो जाने वाला रह गया वो फिर ईजिली जा सके। जैसे कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं अभी, और ये यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें हैं अभी, और ये तो फेंकने वाला है, और जैसे कि वो है छोटी बड़ी चीज़ें, बेडशीट है और कुशन्स हैं, पिलोस हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और यहाँ पे भी ये छोटी मोटी चीज़ें जो भी रह गई है ना, जब बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई, पंखा रह गया उधर, वो वैक्यूम है इस तरह की, वो उधर टेबल पे थोड़ी बहुत छोटी सी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये बिन्स हैं, कंप्यूटर है, तारे हैं, सो इस तरह से छोटी छोटी सारी चीज़ें जो है मैं या के आने तक जो है समेट लेती हूँ, पैक कर लेती हूँ, ताकि फिर जब वो आए तो, क्योंकि फिर ये बेड जो है ना खोलना है, यानी कि क्योंकि ऐसे तो जाएगा नहीं, तो इसके जो भी स्क्रूज जहाँ से जितना खुल सकता है वो खोल के सारा, तो फिर ये जो है जाएगा, तो वो या फिर ये सब करेगा। हमारी जो दो अलमारियाँ हैं वो देखेंगे, अगर उनका ना हाफ हाफ वो हो सके, खुल सके, पार्टीशन हो सके, तो वो ईजी हो जाएगा अलमारी को जो है वहाँ तक ऊपर सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करना, तो वो देखेगा उसने ये सब करना है, तो जो मैं कर सकती हूँ एटलीस्ट मैं तो करूँ, ताकि वो फिर जब आए तो वो ये काम करे, क्योंकि सिर्फ अब 2.5-3 घंटे रह गए, 3-3.5 घंटे रह गए कि गाड़ी जो आनी है, ट्रेलर जो आना है वो आएगा और फिर चीज़ें जाएंगी, तो यस टाइम की विंडो छोटी है अभी। देखो ये सारे लाइटें हैं ना, लैम्प्स हैं, ये भी उतारने हैं, क्योंकि उस घर में बिल्कुल भी कहीं लाइट नहीं है, तो यहाँ अब ये भी करना है, तो आज ही करना है, ताकि अगर आज रात हमें वहाँ सोना है तो हमें लाइट तो डेफिनेटली चाहिए होगी। सो यस, सबसे ज़्यादा चैलेंज है ना अलसा को जो है नए घर में सेट करना होगा, क्योंकि वो फर्स्ट यानी कि ऊपर का फ्लोर है, तो इसका बाहर जाना कम हो जाएगा, और बाहर जाना जब कम हो जाएगा, चलो घर तो शी विल गेट यूज टू इट, बट इसकी जो वाइनिंग रहेगी ना बाहर जाने के लिए, लाइक या इट्स लाइक एनीथिंग, अभी भी जो है इसको बाहर जाना है, लेकिन मैं जाने नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर ये बाहर गई तो इसको फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि ये कहाँ है, क्या कर रही है, और हमें जाना भी है, और फिर इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आज जो है ना, आज के दिन ये ज़्यादा घर पे रहे, तो इसको घर पे रखना जो है ना आज इज़ द मेन बिगेस्ट टास्क। चले जी, मशीन भी यहाँ से निकल गई, वहाँ से भी मशीन जो है वॉशिंग मशीन निकाल ली है, और यहाँ पे सब सामान इकट्ठा हो चुका है, ये रूम खाली हो चुका है, इस अलमारी को फेंकना पड़ेगा क्योंकि पूरी टूट गई है, टूटी हुई है, यहाँ से भी टूटी हुई है, इसको अगर हम खोल के ले जाते हैं तो उसको दोबारा जो है असेंबल करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर ऐसे लेके जाते हैं तो ये पूरी ही टूट जानी है, तो इसका भी देखते हैं क्या करना है। और यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं जो सब ट्रेलर में जानी है, ट्रेलर है वो रहा ट्रेलर वहाँ पे, तो सब बिग ट्रेलर, यानी कि आ जाएंगी सारी चीज़ें आराम से इंशाल्लाह, और यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठी कर गई, बाकी सब जो है ना जाएगा सामान ट्रेलर में, फिर उसके बाद देखेंगे छोटा मोटा क्या रह जाएगा, जैसे अगर जैसे वो वाइट टेबल रह जाती है तो वो फिर हम ले जाएंगे गाड़ी में, सारे प्लांट्स गाड़ी में जाने हैं, फिर ये जो टीवी है ये मैं आई एम नॉट गोना टेक चांस टू सेंड इट विद ह्यूज फर्नीचर इन द ट्रेलर, तो मैं ये गाड़ी में ही जाएगा, तो
बस थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, बाकी स्टोर में बस थोड़ा बहुत सामान रह गया है, जैसे कि ये सामान रह गया वो तो फेंकेगा वहां पे। और ये टेबल है, इसके पीछे सारा का एक छोटा बेड है जब वो छोटी थी वहां तब का। ये है क्या कहते हैं इसको, व्हाट डू यू कॉल दिस इन इंग्लिश जर्नी अगेन, बायोस्कोप, नो व्हाट, टेलीस्कोप, सॉरी या टेलीस्कोप। ये है, फिर अभी ये फ्रीजर भी चला जाएगा सब, बाकी ये भी फिर खाली हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी हो जाएगा सब कुछ। एकदम बुरा हाल हुआ है और इस वक्त जो है ना शाम के 7 बज गया है और अब जाके जो है यानी कि बड़ा बड़ा सारा सामान जो है यहाँ पे आया है, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सोफा भी आ गया, टीवी और टेबल तो कल ही हम ले आए थे मेरे ख्याल से, और यहाँ पे अब ये बेड असेंबल होना है, काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे टेबल ये भी आ गई, वो भी आ गया। अभी एल्सा को जाके लेके आना है आज रात, वो उसका वो भी एक टास्क ही है एल्सा को लाना, क्योंकि मैं आप लोगों को बताती हूँ वो जो है बाहर निकल गई थी, जैसे मैंने कहा था कि अगर ये बाहर निकल जाएगी तो बहुत ही मुश्किल होगा इसको लाना, अब वो क्योंकि बाहर चली निकल गई है, तो अब देखो आई होप कि वो जब हम जाएं लास्ट, क्योंकि पौधे शौधे लाने हैं तो क्योंकि पौधों में पानी भी डालना है, तो पौधे लाने हैं, तो जब पौधे लेने जाएंगे तो उस राउंड में जो है एल्सा को भी लाना है, तो आई होप कि वो जो है ना क्या कहते हैं टाइम से घर आ जाए ताकि उसको ला सके। एनीवेज तो यहाँ पे डिशवॉशर भी आ गया है और काफ़ी चीज़ें, जैसे वाली कुर्सी अभी ऊपर जाएगी और वो मैट्रेस भी ऊपर जाएगा, वॉशिंग मशीन वहाँ जो है अंदर लगेगी नीचे, और ऊपर जाने वाली चीज़ें जो मोस्टली हैं वो जा चुकी हैं, तो मैं अभी ऊपर नहीं जा रही क्योंकि जनाब रास्ते में बैठे हुए फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो है मैं अभी ऊपर नहीं जा रही, बट वो आहिस्ता आहिस्ता सब जैसे जैसे चीज़ें सेट होंगी ऐसे ऐसे आप लोगों को दिखाते जाएंगे। अभी क्योंकि घर भी वापस जाना है क्योंकि लाइट्स लानी है, लाइट्स वरना अगर अंधेरा हो गया तो फिर घर में बिल्कुल अंधेरा है, सिर्फ बाथरूम में लाइट, कहीं भी कोई लाइट नहीं है, तो यहाँ पे लाइट्स भी लगनी है। सो यस, दिस इज द अपडेट। इस वक्त ना 10 बज रहे हैं और शुक्र है कि जहाँ अभी हम घर आ रहे थे तो ये मैं घर के बाहर ही मिल गई क्योंकि निकल गई थी बाहर। मैंने आप लोगों को सुबह भी कहा था कि अगर ये बाहर निकल गई तो इसको घर लाना मुश्किल हो जाएगा, कहाँ ढूंढते फिरेंगे, लेकिन क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रही थी तो जिसकी वजह से फिर ये भाग गई बाहर। पर अच्छा है कि अभी ये यानी कि हमने जब यूँ एंटर हुआ तो यहाँ से साथ ही साथ ये आ रही थी, अब घर आके ना पूरा घर देख रही है खाली खाली, आप लोगों को खाली खाली घर दिखा देती हूँ, लोग खाली सब चला गया। ये कुर्सी मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ और ये टेबल भी, क्या पता कि अगर ऑप्शन मिले मुझे या ऐसा कुछ बन पड़े तो मैं फेंक दूं, या मैं एक कंपनी है रेड क्रॉस की उनको कॉल करूंगी तो वो फिर आके खुद ही ले जाते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। और बाकी सब खाली हो गया, अब सफाई होनी है यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि वो टेबल जो है मैं छोड़ के जाऊँगी क्योंकि वो ऑलरेडी टूटी हुई है, तो इसको पूरा ठीक पूरा यानी कि खोल के गाड़ी में जैसे तैसे करके रख के तो ये फेंकेगी। और याया जी जो है यहाँ पे ना लाइटें उतार रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लाइटों की ज़रूरत है, सब जो है ना क्या कहते हैं अंधेरा होना हो जाएगा वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, बाथरूम की मैंने पहले भी बताया था आपको। सो यस, पूरा घर खाली हो चुका लेकिन गंदा बहुत है गाइस, साफ अच्छे से सफाई होनी है। आई थिंक सिर्फ मेरा एक कमरा ऐसा है जो कि थोड़ा बहुत साफ है, ना कि इतना गंदा। अब क्या करना है कि पौधे लेके जाने हैं और जितने आ सके, क्योंकि अभी क्योंकि एल्सा का लीटर भी रखना है, उसके खाने का डब्बा भी रखना है और उसका जो है पानी का बॉक्स भी रखना है, फिर एल्सा को भी केज में डालना है और वैक्यूम भी वो वाला लेके जाना है हूवर, तो देखते हैं कि कितने पौधे आ सकते हैं, होप के सारे आ रहे हैं वरना कुछ ले जाऊँगी और कुछ फिर जो है शायद कल आके ले जाऊँ, लेट्स सी। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आ गई, जो जो चीज़ें मैंने लेके जानी थी वो सारी चीज़ आ गई, सारे प्लांट्स यहाँ पे आ गए हैं, वैक्यूम आ गया है, वो टूल बॉक्स आ गया है, वो खाना आ गया है, लेटर बॉक्स आ गया है, बिन्स आ गए हैं। सो इसे करते हैं बंद, बिस्मिल्लाह, और यहाँ आ गई है मेरी एल्सा रानी, ये रही मेरी एल्सा रानी, ये आज हम नए घर में सोएंगे एल्सा। हाँ जी, या ये इधर बैठेगा इसको लेके ताकि बहुत ना तंग नहीं करे, इसको केज में इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि डॉग्स की तरह ये आराम से नहीं बैठती ना बिल्लियाँ, क्योंकि इनके क्लॉज होते हैं और ये एस्पेशली एल्सा तो बहुत ही डरती है गाड़ी में, तो इसके लिए केज बहुत ही ज़रूरी है, तो ये बहुत
इस वक्त स्ट्रेस्ड आउट हुई है जी बच्चे, मैंने उसके लिए खाना रखा हुआ वहाँ पे अंदर, पर या इसलिए जो है ना या से अब जो है ना इसका केज गोद में रख के तो फिर बैठेगा यहाँ पे। एल्सा अभी आया भी आ गया, तो अब निकलते हैं। एल्सा इज डैम स्ट्रेस्ड आउट। इट्स ओके एल्सा, कोई बात नहीं, इट्स ओके एल्सा, लुक एल्सा, हाँ हाँ जी इधर ही खाना है आपके पास, नो वरीज। जब तक चीजों पर ला रहे थे तो एल्सा को जो है ना यहाँ कमरे में रखा था। आई शाम तो नहीं की ना एल्सा ने, चलो सब सही है, बस अब लाइट लगनी है घर में, लाइट कहीं और नहीं क्योंकि अभी तक लगी नहीं है, अभी थोड़े से 5-10-15 मिनट हुए हैं अभी, तो जब तक यहाँ के साथ मैं सारा सामान जो ऊपर आ रही थी और मैं यहाँ आई हूँ तो अब यहाँ गया बाकी का सामान लाने के लिए, देख रही है, है? लेकिन अभी चलो शुक्र है कि स्ट्रेस्ड आउट नहीं है क्योंकि इसे हम दिख रहे हैं तो हमें पहचानती है। एल्सा 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 कहाँ आ गए हम, कहाँ आ गई, ये कौन सी जगह है, नया घर है, ये नया घर है, आज हम यहीं पे सोएंगे, आज निन्नी यहीं पे करेंगे, हैं? हमारी एल्सा जी यहाँ कंफर्टेबल हो गई है, अपनी जगह उसने ढूंढ ली है, सोफा पहचान लिया और यहाँ के बैठ गई है, हैं? रिलैक्स, अब 2 हफ्ते तक आपने कहीं नहीं जाना है, एक्चुअली हम इसको 2 हफ्ते तक नहीं बाहर कहीं निकाल सकते क्योंकि इसको जगह को पहचानना है एंड गेट यूज टू होना है, तो बिल्लियों को जो है आई डोंट नो अबाउट डॉग्स बट कैट्स टेक्स अराउंड 2 वीक्स टू गेट यूज टू न्यू प्लेस एंड एनवायरमेंट, तो इसको बिल्कुल भी जो है घर से जाने नहीं देना 2 हफ्ते, एंड इट्स गोइंग टू बी अ प्रोसेस क्योंकि ये बहुत तंग करने वाली, क्योंकि अगर हम सिर्फ 2 हफ्ते बाहर नहीं जाने देंगे तो लेट्स सी हाउ इट गोस। इस वक्त अंधेरे में ये जो है ना बेड हम लोग असेंबल कर रहे हैं क्योंकि याहिया जी जो है हमारे इतना थके वके कह रहे हैं कि लाइटें मैं सुबह ही लगाऊंगा, तो अब अंधेरे में हम बेड असेंबल कर रहे हैं और अंधेरे में इसी तरह जो है आज रात गुजरेगी और फिर सुबह भी लगेंगी लाइटें। इस अंधेरे में सोने लायक तो बिस्तर कर लिया और एल्सा ने भी आज जो है ना दूसरी जगह अपनी ढूंढ ली है, तो सोफे पे ढूंढी थी और अब ये यहाँ बिस्तर पे, आई मीन लाइक शी इज़ होम, शी इज़ फीलिंग कंफर्टेबल। नया घर ज़रूर है लेकिन मेरे ख्याल से फर्नीचर और लोग वही हैं तो वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल हो रही है।